टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। सीएम योगी की मौजूदगी में उनके लखनऊ आवास पर श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दिया गया। एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने 317.855 एकड़ भूमि खरीदी है। इसके लिए प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ है। और आपको बता दें कि इस लीज एग्रीमेंट में 50,000 स्क्वायर फीट में एयरपोर्ट बनेगा और साथ ही साथ कई जानकारी भी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी दी है और आपको बता दें कि जो ये 50,000 स्क्वायर फीट में एयरपोर्ट बनेगा उसमें 1 करोड़ लोगों के लिए सुविधाएं होंगी, इतने लोग आ सकेंगे और धनराशि स्वीकृत करके जिलाधिकारियों को दे दी गई है, स्वीकृत कर दी गई है और अयोध्या को सुंदर नगरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मिलेंगे। और इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, लीज एग्रीमेंट आज साइन कर लिया गया है, जमीन सौंप दी गई है, 50,000 एकड़ में ये एयरपोर्ट बनेगा, किस तरह से देखते हैं, कितना भव्य होगा? राम मंदिर के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में तैयार हो रहा है, क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी जनता को? सरकार की तरफ से लिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार एयरपोर्ट्स का हब होते जा रहा है। पहले जहां पर उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद लगातार पिछले 5 साल में भी और अब सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में भी एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो की अयोध्या के विकास के लिए सबसे अहम बताया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, इसकी स्वीकृति, जमीन की स्वीकृति भी सरकार की तरफ से आज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसकी स्वीकृति दी गई है, जिसमें 317.855 एकड़ भूमि जो है वो नागरिक उड्डयन विभाग को दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है अयोध्या में जो विदेशी पर्यटक आना चाहते हैं उनके लिए काफी अहम सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। पर्यटक स्थल होने के नाते यहाँ पर जो आवागमन है वो और भी सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से होगा। ये अयोध्या के लिए बहुत ही अहम चीज है और लगातार हमारी सरकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एयर कनेक्टिविटी पर बेहतर काम करने पे सजग है। आज यूपी में 9 एयरपोर्ट हैं। इस तरह की कई सारी अहम बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में कई जगह पर इस वक्त फ्लाइटें हैं, कई जगहों से गोरखपुर के लिए फ्लाइटें हैं क्योंकि गोरखपुर कुशीनगर एयरपोर्ट भी हुआ है। तो ये सारी जो बड़ी बातें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लीज एग्रीमेंट था वो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हो चुका है और अब काम तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है तो वहीं विधान परिषद चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ आज चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने सीतापुर के भाजपा एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान से खास बातचीत की, तो चलिए आपको सुनाते हैं। इस बातचीत के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने सीतापुर की जनता से क्या कुछ कहा। अभी जल्द ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से यूपी में दोबारा योगी सरकार को स्थापित किया है। अब यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है जिसमें ज्यादातर सभी दलों के प्रत्याशी अपनी जोरों से लगे हुए हैं। इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं सीतापुर से भाजपा एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान जी। हम इनसे जानेंगे इनके व्यक्तिगत एवं राजनीतिक सफर के बारे में और विधान परिषद चुनाव के बारे में। तो पवन जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। सबसे पहले हम आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहिए। सभी को प्रणाम करता हूँ। व्यक्तिगत परिचय है, मैं, हमारा नाम पवन सिंह चौहान है जी। मैं एक संस्था एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ
इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कॉलेज में चलाता हूँ, स्कूल भी चलाता हूँ, हॉस्पिटल भी। तो समाज की सेवा से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उस कार्य में सब में सक्रिय। दूसरा एक जो सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ, करोड़ों रोजगार दिलाने का, रोजगार दिलाने का पिछले करीब हमको लगता है 10 से 12 साल हो गए, लगातार हजारों संख्या में हर साल रोजगार दिलाते हैं। उसको लगता है कि अब वो जो हमारे मिशन था शिक्षा संस्कार रोजगार स्वास्थ्य, वो एक बड़े लेवल करने के लिए मैं इस राजनीति में प्रवेश किया हूँ, और उसको लगता है कि अब मैं ऊपर वाला कुछ बड़े बड़े काम से कराने वाला है। तो इसीलिए ये इस वजह से हमको केंद्रीय नेतृत्व का हमारा आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सेवा करने का सीधा मौका मिला। पवन जी, जैसा कि सुनने में हमें प्राप्त हुआ है कि आपने शिक्षा एवं अन्य कई क्षेत्रों में एशिया और वर्ल्ड टॉप किया है, इसके बारे में कुछ हमें अवगत कराएं। देखिए, मैंने 91 में एक हिंदुस्तान लीवर और लिप्टन की एजेंसी लिया था, लिप्टन जो चाय जी, तो उसमें पहले मैंने एरेटैप किया, फिर मैंने डिशी टैप किया, फिर यूपी टैप किया, फिर इंडिया टैप किया, फिर एशिया टैप किया। होता क्या है कि जब आदमी कोई भी काम बड़े मनोयोग करता है तो अच्छा ही होगा। मैंने बहुत सारे काम किए, 15-16 बिजनेस किए, 16 में बिजनेस में नंबर 1 पर आया। सिर्फ एक प्राथमिकता देता हूँ कि जिस व्यक्ति की या जो सेवाएं मैं कर रहा हूँ या जो बिजनेस में कर रहा हूँ उससे समाज को क्या मिल रहा है और क्या मैं दे सकता हूँ। तो वो आफ्टर सेल सर्विस होती नहीं, तो आफ्टर सेल सर्विस में बड़े मैं विश्वास करता हूँ कि जब हमारा काम होता है तब भी मैं उससे बात करता हूँ, जब हमारा वो वर्क हो जाता है उसके बाद में और अच्छे से काम करने की कोशिश करता हूँ, और अच्छे से मिलने की कोशिश करता हूँ, और अच्छा उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वालिटी की वजह से हमें आज तक जितने भी बिजनेस में उतरा हूँ या जिसने भी जो भी कार्य किया है उसमें पूरे समाज का बहुत ही बड़ा सहयोग, बड़ा आशीर्वाद रहा है। विश्व की नज़र में हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर हमारा जो बाहर से आमदनी होती है, बाहर से पर्यटक आते हैं, तो हमारा धर्म और धन दोनों बढ़ेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन यही पूछेंगे आपसे कि यदि सीतापुर की जनता और जो प्रतिनिधि हैं अगर उन्होंने एमएलसी पद के एमएलसी के लिए मान लीजिए आपको आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले जनता के लिए क्या कार्य करेंगे आप? सबसे पहले जनता को धन्यवाद दूंगा, दूसरा काम ये बड़ा काम करूंगे, फिर शिक्षा और रोजगार पर बड़ा काम करूंगे, स्वास्थ्य पर भी हमारा एक है कि आयुष का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और ऐसे वैसे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इस पर हम लोग जो आपका मन पड़ा हुआ है इस पर माननीय हमारे सांसद जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक से मैंने चर्चा भी किया था, और इस पर हम लोग मिल करके ये भी चालू होगा और नए भी मेडिकल कॉलेज का सृजन हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पर बड़ा काम किया जा सके। तो ये थे पवन सिंह जी जो सीतापुर से भाजपा एमएलसी प्रत्याशी हैं, और आगामी 9 तारीख को जो विधान परिषद चुनाव होना है उसमें भागीदार कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है शिक्षा और रोजगार, जहां केवल चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षा और रोजगार। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं सुनील तिवारी, प्राइम टीवी सीतापुर। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई है, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की 2 प्लाटून के 72 महिला और पुरुष जवान 24 घंटे के लिए तैनात किए गए हैं। गोरखपुर मंदिर में के सुरक्षा में तैनात जवान के ऊपर हमले के बाद जो प्रदेश भर के मठ हैं और तमाम मंदिर हैं उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसी क्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जहां मुख्यमंत्री की जो 5 कालिदास आवास है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके सरकारी आवास के ठीक बाहर जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है उसको 2 टुकड़ियों को लगाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है वो 24 घंटे सीएम आवास के बाहर निगरानी करेगी, और वही इस प्लाटून की बात की जाए तो 2 प्लाटून में लगभग 72 महिलाएं तैनात हैं, और साथ ही साथ सीआरपीएफ की 233 बटालियन की अल्फा यूनिट भी है जिसमें महिला तैनात है। साथ ही बता दें कि दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री का जनता दरबार लग रहा है, और जिसमें यूपी के अलग अलग कोने से फरियादी आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर,
और निदान को लेकर यहाँ पहुँचते हैं मुख्यमंत्री के समक्ष। उन इन सब चीज़ों को देखते हुए कि कोई संदिग्ध या कोई ऐसा आपत्तिजनक चीज़ें ना हो, जिसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजामात कर दिए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि अगर बात की जाए पहले तो पहले PAC और जिला प्रशासन जो CM आवास थी उसकी निगरानी करता था, और जो अभी हाल ही में गोरखनाथ मंदिर में सिपाही पे हमले हुए हैं, जिसको देखते के बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर अब CRPF को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन नीरज के साथ। यूपी के कानपुर में सेंट्रल बैंक से खाताधारकों के लॉकर से जेवर गायब होने का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही चोरी से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है, लेकिन प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं, जिस पर व्यापारियों और ग्राहक की नाराजगी देखने को मिल रही है। और मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के साथ ही बैंक के समस्त स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग की गई है। वहीं कमिश्नर ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पूरा मामला फीलखाना थाना क्षेत्र का है। आपके लॉकर में कितने का जेवरात था, कितने कीमत का? कब से बैंक में लॉकर है आपका? हमारा तो 40 साल से है लॉकर बैंक में। कितने के जेवरात है आपके लॉकर? तो अभी तो वैल्यूएशन कम से कम 15 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। अब क्या आप पुलिस की कार्रवाई या बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अब देखिए क्या होता है, अब संतुष्टि जब वो लोग पकड़े जाए तब संतुष्टि मिलेगी। ऐसा क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये लॉकर से कैद किए गए? तो ये रिबिट तो टूटी हुई थी, चाबी नहीं लग रही थी। जब वहाँ कंपनी से आए थे तब उन्होंने खोला लॉकर, रिबिट तो पहले ही वो उसकी ड्रिलिंग की कटिंग वो जो गिरती है ना, वो भी लॉकर के पास गिरी पड़ी थी। तो डाउट तो हो गया था कि नहीं खुलेगा, लेकिन उन्होंने खोला, मुश्किल से उन्होंने खोला, हम लोगों से तो खुला ही नहीं। फिर वो देखा अंदर डब्बा खाली पड़ा था, खाली चांदी का थोड़ा सामान पड़ा था, और हल्के हल्के जो गिफ्ट में सेट मिलते हैं ना, बिल्कुल हल्के हल्के वो 2-3 पड़े थे, बाकी सारा सॉलिड्स। हाँ, वो हमारी बेटियों का भी था, उसमें हमारा था, हमारी बेटियों का सॉलिड सारा सामान गया। बलिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की धारदार हथियार से बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। वहीं प्रॉपर्टी डीलर की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल बलिया में एक प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने गर्दन को गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी। इस दौरान मृतक प्रॉपर्टी डीलर चिल्लाकर जान बचाने की भीख मांगता रहा, लेकिन बदमाशों ने दौड़ाकर प्रॉपर्टी डीलर की गर्दन को गोद कर हत्या कर दी। वहीं यह पूरी घटना बलिया के फेफना थाना के संडा गांव की बताई जा रही है। चंदौली से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बहू ने पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेहोश किया और फिर घर से लाखों के जेवर नकदी लेकर फरार हो गई। वहीं पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया है। सास ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है। मुगल सराय कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें 2 अप्रैल की पूरी घटना बताई जा रही है। दुकान से हम घर गए, हमको पानी पिलाया गया, पानी पीने के कुछ देर बाद खाना दिया, खाना खाने के बाद हम सो गए, हमको कुछ पता नहीं क्या हुआ। सुबह मेरा पोता आया, वो उसने उठाया कि मम्मी घर पे नहीं है, फोन करने पे स्विच ऑफ मिला उसका, और इधर उधर खोजने के बाद जब देखा तो बगल वालों के CCTV कैमरे में से और अगल बगल वालों में से, तब पता चला कि रात के 2:20 में वो घर का ताला खोल के सामान लेके घर से निकल गई है, और घर का पूरा जेवर गहना गट्टा नकदी सब ले गई है। हमारी बड़ी वाली जो भाभी थी जितेंद्र कौर सोनी, घर में सबको रात में खाना खिलाने के बाद उसमें कोई नशीली पदार्थ मिला के सबको सोला दी। सोलाने के बाद जब पूरा जितना घर का सामान था, जितना सोना चांदी जो भी था, पूरा वो अपने बैग में पैक करके लेके अपने साथ चली गई। सुबह जब उनका बेटा 6 बजे उठ के आया तब हमें मालूम चला कि वो घर में नहीं है। जब हम लोगों ने उनके रिश्तेदारों में और सबको फ़ोन किया तो मालूम चला वो अपने रिश्तेदारों में भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, फिर उसके बाद अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। मैं सबको खिला दिया था, सिर्फ अपने बेटे को छोड़कर। कितना सामान लेके गए? सामान कम से कम 6-7 लाख रुपए का पूरा सिर्फ जेवरात जेवरात है, जो घर में असली मालकिन बना के उन्हीं को रखा गया था। इसमें जो है जितेंद्र कौर नाम की 30 वर्षीय महिला है, जिसकी शादी मैना ताली कस्बा रामनगर में हुई थी। इनकी सास गुरमीत कौर ने ये सूचना दिया है कि उनकी बहू जो है ज्वेलरी गहने ले करके जब हम लोग सोए हुए थे उस समय चली गई। इस संबंध में
रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसकी जांच चौकी इंचार्ज कूड़ा बाजार को दे दी गई है और इसकी पूरी वो। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा को लेकर अलीगढ़ में हिंदू धर्म रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा है। इस ज्ञापन में करौली जिले में हुई हिंसा के शिकार हिंदुओं को 50-50 लाख का मुआवजा और उनकी दुकानों की आर्थिक भरपाई दंगाइयों से कराए जाने की मांग उठाई गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि भविष्य में हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों के रास्ते तय कर उन क्षेत्रों से मुस्लिम बस्तियां हटाई जाएं। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा है, उसमें करौली में जो हिंसा हुई है नव संवत्सर 2 तारीख को जो वहां पर उसका जुलूस निकाला जा रहा था, राजस्थान सरकार से पहले ही परमिशन थी, रूट मैप तैयार किया गया था, प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर से ऊंची बहुमंजिला इमारतों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए। हिंदू इस समय इतना खतरे में है, पूरे भारतवर्ष के, ये करौली नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर हिंदू पूरे भारतवर्ष के अंदर खतरे में है। पहले से ही प्लानिंग होती है हिंदू त्योहारों का, पर्व तीज त्योहारों का, मतलब ये फायदा उठा करके पहले से ही अपनी छतों पर व्यवस्था करते हैं और बाद में हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार करते हैं। इनके द्वारा कहा गया हिंदुओं के ऊपर जो व्यवहार हुआ, खराब व्यवहार हुआ, उसके संबंध में ज्ञापन। बिजनौर कोतवाली देहात इलाके में ग्राम बरूकी में एक कार के गैराज में भयंकर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जहां चार कार एक स्कूटी समेत 3 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आग की चपेट में आने से गैराज मालिक कार नौकर भी झुलस गए हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर गैराज स्वामी ने बताया कि आग से लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही मकान में दरारें भी आ गई है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में ग्राम बरूकी पड़ता है, इसमें श्री प्रदीप कुमार है, उनके मकान के नीचे उनका गैराज बना हुआ था, उस गैराज में उनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी, उसमें अचानक आग लगी और आग की सूचना पर अग्निशमन विभाग और संबंधित पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आग को कम। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद डॉक्टर सक्षी महाराज ने गोरखपुर मठ पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि योगी जी सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री और गोरखपुर का मठ उनका है, बिना षड्यंत्र के हथियार लेकर कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, योगी जी विश्व के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर का मठ उनका मठ है। साधारणतया बिना योजना के, बिना किसी बड़े षड्यंत्र के, धारदार हथियार लेकर के कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। मैं इसकी निंदा करता हूं, परंतु निंदा करने मात्र से इसका हल निकलने वाला नहीं है। कुछ असामाजिक तत्वों के या आस्तीन के सांपों के या अलगाववादियों के इरादे नापाक हैं। मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में जो शांति व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो भाईचारा इस देश में कायम हुआ है। फरुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपहृत मासूम को पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसके बाद मां की आंखों में इकलौते बेटे को पाने की खुशी थी और परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद किया। आरोपी रीमा देवी और उसके एक साथी को कमालगंज के ग्राम चाचुरपुर से SOG टीम के द्वारा दबोच लिया गया है और उसके पास से आदित्य को भी बरामद किया गया है। लड़की को फ्रूटी पिला दे, हमने कहा भैया पिला दो, जब इसने फ्रूटी पिलाई तो उठा के ले गई उसको। अच्छा, तो पहचानती है हम लड़की को? हाँ, मेरे पड़ोस की है। क्या नाम है उसका? डोली। डोली। अच्छा, तो ये मतलब कितने साल की होगी लगभग? लड़की है 11 साल की। अच्छा, बच्ची उठा ले गई थी। हाँ। अच्छा, फिर आपको फिर जब तक कितनी देर बाद बच्ची नहीं आई, वापस कब तक नहीं आई? फिर वो आई नहीं, 5 बज गया। अच्छा, उठा कितने बजे ले गई थी? 2 बजे। 2 बजे तो हमने कहा आ रही होगी, अब आ रही। हम पूरे में ढूंढ चुके भैया, कादरी आदरी गेट देने, कहाँ कहाँ ढूंढ आए हम, जब नहीं मिली तो हम कोतवाली आए।
हमें क्लू मिले उसके आधार पर जो बच्चा है उसको हमने चाचूपुर गांव जो कि कमालगंज के अंतर्गत है वहां से अभी रिकवर किया है। और जो अभी तक पूरी चीज़ें समझ में आई है और जो इंटरोगेशन में पता चला है कि जो ये रीमा वर्मा है जो दिल्ली रहती है पिछले 7 दिन से यहाँ पर आई हुई है, इसका इसके दिल्ली में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर मुकदमे दर्ज हैं। और ये एक प्रोफेशनल है जो कि छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त के अंदर ये काम करती है। पिछले 7 दिन से ये यहाँ पर आकर एक प्लानिंग के तहत कि किस तरीके से बच्चे को यहाँ से पांचाल घाट लेके जाना है और वहाँ से फिर इसको जो ये चाचूपुर में जहाँ से बच्चा बरामद हुआ है उनके हैंडओवर करना है, उसी की ये पूरी तैयारी पे थी। आज इसको मौका मिला तो मौका मिलते ही इसने जो डोली नाम की लड़की थी छोटी वाली उसके और उसकी माँ के साथ मिलकर इस बच्ची को उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।